Hi guys and welcome to my channel FGM number 1 and this is my first video of game Thanks a lot aur is video mein aapko is game ke basics bataunga dosto is game ke play store pe ab tak 1 million plus download ho chuke hain yeh ek tarah ka real time multiplayer battle arena game hai in short MOBA game bhi aap keh sakte hain dosto mujhe is game ke graphics aur battle scenes ne bahut attract kiya hai मेरा वीडियो बनाने का सीधा कारण है कि इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ जाए कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही ख़राब खेलते हैं हाँ इस गेम में बॉट्स भी हैं जो आपके गेम में शामिल होकर आपका गेम ख़राब कर देते हैं ओवरऑल ये गेम बहुत ही एडिक्टिव है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जॉयस्टिक दिया है जो आपके टैंक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है जॉयस्टिक से आप अपने टैंक को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और आपके टैंक के ऊपर ग्रीन कलर का बार है जो टैंक की हेल्थ को इंडिकेट करता है उसके नीचे डॉटेड लाइन जो टैंक के शॉट्स हैं कि आप कितने टाइम फायर कर सकते हैं यू आर इनविजिबल इन द बुशेस मतलब आपको एनिमी जब आप घास फूस में रहेंगे तो नहीं देख पाएगा देख नहीं सकेगा टैप टू एम एट एनिमी द कैनन विल शूट ऑटोमेटिकली फिनिश हिम इस गेम में दोस्तों दो सेटिंग्स हैं दो ऑप्शंस हैं फायर करने के अटैक करने के एक तो आप टैप करके अटैक कर सकते हैं और सेकंड आप जॉयस्टिक की हेल्प से एम करके अटैक कर सकते हैं क्या हम दो कैनन को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नहीं चलो एक साथ करते हैं एक दो और ये लास्ट वाला तीन गिन गिन के मार दिया भाई इन सबको तो एक्सीलेंट इट इज नाइट व्हेन दे डोंट शूट बैक नॉट टू द रियल बैटल अच्छा तो रियल बैटल अब चलते हैं अभी भाई ट्यूटोरियल चल रहा है इस गेम का तो अभी हम आर्मी कैंप के ये बॉट्स के साथ अभी अटैक होगा हमारा बॉट के साथ ही हम अटैक करेंगे फाइट करेंगे तो इसमें देख सकते हैं ये 3v3 गेम है इसमें आपके टीममेट्स आपके साथ हेल्प कर सकते हैं अटैक कर सकते हैं एनिमी को मार सकते हैं और आपके टीममेट्स का हेल्थ ब्लू कलर के बार से इंडिकेट है और आपका ग्रीन तो हमेशा इसमें देखते रहिएगा कि आपका हेल्थ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है आपकी टीम का ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो आप उनके पास पहुँच कर उनको हील कर सकते हैं ओ ट्रिपल किल मैंने ट्रिपल किल पाया भाइयों या बहुत अच्छा मैं खेल रहा हूँ यार थोड़ा डिफिकल्टी है इस गेम में भाई एक और चीज़ है अगर आपको ये फिर किल मैंने किया अगर आपको हील होना है तो आप शूट करना बंद कर दीजिए आप अगर शूट करना बंद कर देंगे तो आपका टैंक ऑटोमेटिकली हील होने लगेगा और एक देखिए अभी हील हो रहा है ना मेरा टैंक और जब मैंने अभी शॉट मारा एक शूट किया फायर किया तो हील बंद हो गया और फिर हील स्टार्ट होगा अपने आप जब आप कुछ सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड के लिए छोड़ देंगे शूट करना और तब आपका हील स्टार्ट हो जाएगा ये फिर इसको मैं मारता हूँ ये किल यार मैं इस गेम में बहुत मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा ही गेम है ये अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं इसको 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं अब तक इसके दोस्तों इस गेम में अभी तक फ्रेंड्स फीचर नहीं आया है पर नेक्स्ट अपडेट में फ्रेंड फीचर आ जाएगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस गेम को खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को आप अपने ग्रुप में इन्वाइट करिए और उनके साथ इस गेम का मज़ा लीजिए काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये गेम में भाई एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जैसे ही आपकी डेथ होती है या अपोनेंट की डेथ होती है तो देखिए एक रिंग टाइप का ऊपर से शील्ड बन कर आता है उस तरफ देखिए एक रेड कलर का शील्ड बन के आ रहा था इसका मतलब है कि आप जब भी अगर ये रिवाइव होकर आया है शील्ड बनकर इसके पास है तो अगर आप अटैक करेंगे तो इसका हेल्थ डिक्रीज नहीं करेगा इस पर कोई भी असर नहीं होगा ये 2 सेकेंड या 3 सेकेंड तक शील्ड रहती है उस शील्ड के जाने के बाद आप अटैक करेंगे तो उसको हार्म होगी और दोस्तों देखिए इसमें शॉर्ट कलर शॉर्ट का आइकन जो है वो किल को इंडिकेट करता है और हैंड का आइकन असिस्ट इंडिकेट करता है एंड हेड स्कल किल को इंडिकेट करता है जब भी आप गेम विन करते हैं तो आपको ट्रॉफी मिलता है ट्रॉफी के साथ साथ कुछ कॉइन्स मिलते हैं ऑक वुड क्रेट दोस्तों जब आप क्रेट को ओपन करते हैं तो आपको कार्ड्स मिलेंगे कैनन के या बेस के तो आप कैनन या बेस के कार्ड्स कलेक्ट कर अपग्रेड कर सकते हैं उनको अच्छे लेवल पे जाएंगे मोर डिस्ट्रक्शन कैनन करेंगे बेस अच्छे लेवल पे जाएंगे मोर हेल्थ इंक्रीज करेंगे स्पीड एबिलिटी भी इनकी है जब आप लेवल 4 पे जाएंगे तो अलग अलग एबिलिटी मिलेंगी आपको अलग अलग एबिलिटी आपके अलग अलग बेसिस के साथ हैं अलग अलग कैनन के साथ अलग अलग एबिलिटी है
देखिए इसको अपग्रेड करने पे आपको एक्सपी भी मिलता है। आप अगर किसी भी कार्ड को अपग्रेड करेंगे तो उससे आपको एक्सपी मिलेगा, तो आपकी प्रोफाइल एक्सपी इंक्रीज करेगी। ये लेवल 4 पे जाएगा तो फिर इसका एबिलिटी अनलॉक हो जाएगा बेस की। ये कैनन है, कैनन है कॉमन कार्ड, फ्लैग कैनन, डैमेज 150, रेंज 7, पैलेट शॉट, फास्ट पैलेट टू अ वाइड एंगल, शॉर्ट रेंज, हार्ड फॉर एनिमी टू इवेड, शॉट 180, फास्ट प्रोजेक्टाइल दैट कैन डैमेज मल्टीपल एनिमी ऑन अ वाइड रेंज। ये इसकी एबिलिटी है भाई साहब। और ये है कैनन कॉमन कार्ड, ये भी है द टर्मिनेटर, रैपिड बीस्ट, फायर आ रैपिड बूस्ट ऑफ राउंड टू ए एनिमी, 73 डैमेज, रेंज 11। ये इसकी एबिलिटी टूरेंट फ्लैटर, एक टूरेंट खड़ा करता है फील्ड पर जो अपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली अटैक करता है, उस भी कुछ टाइम तक रहता है। चलिए बैटल में चलते हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि ये बैटल 3v3 बैटल होती है। इसमें आपके टीम्स मेट के हेल्थ ब्लू बार से इंडिकेट होता है और अपोनेंट का रेड बार से। आप जब बुशेस में जाते हैं ग्रीन ग्रीन ग्रास में तो आप इनविजिबल हो जाते हैं, एनिमी आपको देख नहीं सकता। जब आप फायर करते हैं तो आपका हेल्थ इंक्रीज नहीं होता। अगर आप फायर करना छोड़ देते हैं तो आपकी हेल्थ इंक्रीजमेंट हो जाती है, मतलब टैंक आपका हीलिंग मोड में चला जाता है। अगर आपने हीलिंग मोड के दौरान शूट किया तो टैंक आपका फिर से नॉर्मल मोड पे हो जाएगा, हील नहीं करेगा। फिर आपको 2-30 सेकंड के लिए शूट करना छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद टैंक हील होना स्टार्ट होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा गेम है, मैंने बेसिक्स आपको बता रही हैं। ये डेथ मैच चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किल्स कलेक्ट करने वाले, किल्स पाने वाले टीम विन होती है, डबल किल। दोस्तों मैं अभी ट्यूटोरियल ही खेल रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर इसमें सोचिए फ्रंट फीचर आ जाता है तो कितना एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता रहूँगा। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी खामी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी भी तरह की खामी। दोस्तों मैं उसको अगले वीडियो में पूरा कर लूँगा, उस खामी को ख़त्म कर दूँगा। डबल किल अगेन, अभी मेरा नाम नहीं आया है, अभी ट्यूटोरियल चल रहा है, अभी प्रोफाइल का नाम मैं एडिट करना चाहता हूँ, देखते हैं कब होता है किल। हाँ दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपके पास किल कम है, एक ज़्यादा है अपोनेंट से और टाइमिंग स्टार्ट होती है, तो आप रन करिए और अपने टीममेट्स को भी कहिए कि रन करें, क्योंकि अपोनेंट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अपोनेंट आपको किल भी कर सकता है, मार सकता है, तो आपका किल उनके पास चला जाएगा तो वो जीत जाएंगे। ये क्वेस्ट है दोस्तों, इस क्वेस्ट में आपको टास्क मिलते हैं, आपको टास्क कंप्लीट करने पे क्वेस्ट पॉइंट्स मिलते हैं, उन क्वेस्ट पॉइंट से आप क्रेट अनलॉक, क्रेट ओपन होता है। देखिए ऊपर वाले में क्रेस्ट पॉइंट है, मैंने अगर 80 क्रेस्ट पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तो मेरा एक क्रेट ओपन हो जाएगा। अब मेरा प्रोफाइल एडिट होगा, प्रोफाइल नेम डालूँगा भाई मैं अपने चैनल के नाम से, FG अमन नंबर 1, या भाई मैं अमन नंबर 1 हूँ, मेरा नाम अमन है, FG अमन नंबर 101, ओके। दोस्तों अब ये मेरी प्रोफाइल बनके तैयार हो गई है, इसमें बताता है कि मैंने कितने बैटल्स प्ले किए हैं और कितने मैचेस जीते हैं। अब चलते हैं ऑगवर्ड क्रिएट को ओपन करते हैं, इस समय ट्यूटोरियल में इंस्टेंट ओपन हो रहा है। और ये आप जानते हैं कि क्रिएट ओपन करने में आपको कार्ड्स मिलते हैं, इसमें रेयर कार्ड्स, कॉमन कार्ड्स भी हो सकते हैं, और कार्ड से आप अपने कैनन को अपग्रेड कर सकते हैं एंड अपने बेसिस को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आपको फिर से दिखाते हैं कि अपग्रेड, ये मुझे नया कार्ड मिला है, इसका डैमेज टाइप एलिमेंटल है,
हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि हर कार्ड का, हर कैनन का अलग अलग डैमेज टाइप होता है। कुछ का बुलेट टाइप होगा, कुछ का एलिमेंटल होगा, कुछ का फ्लैश टाइप होगा, तो आपको उस हिसाब से देखना होगा। जैसे अभी इस मोड में एक आता हीरो मोड, तो उसमें इस टैंक के हिसाब से हीरो रहते हैं। हीरो का स्पेशलिटी रहते हैं कि इस डैमेज टाइप के साथ वो अच्छे से अटैक करते हैं। तो चलिए फिर से रियल बैटल में चलते हैं, क्योंकि उससे पहले आपको शॉप दिखाते हैं। शॉप में दोस्तों आप कार्ड्स को बाय कर सकते हैं अपने कॉइन से। इसमें तीन ऑप्शंस दिखा रहे थे, मेरे पास इस समय कार्ड है। मैं अभी ट्यूटोरियल पूरा करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कार्ड बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। दोस्तों चिंता मत करिए, मैं सब बता दूंगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी खराबी है तो आप मुझे फिर बता सकते हैं, मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसमें कि अगर आप बुशेस में छुपे हुए हैं और आपके एनिमी आपकी साइड से जा रहा है तो वो नहीं देख पाएगा जब तक आप फायर नहीं करेंगे। अगर एनिमी, अगर आप बुश में छुपे हैं और आपने फायर कर दिया तो आपकी लोकेशन दिख जाएगी, आपका लोकेशन दिखने लगेगा उसको। दोस्तों यही इसमें है, अगर आपने शूट कर दिया बुशेस में तो अपोनेंट आपको देख लेगा। तो आप जब भी आप बुशेस में छुपे हैं तो बिना जितना कोशिश हो कि शूट ना करिए, अगर अपोनेंट पास आ जाए मौका मारने का तब आप शूट करके मार सकते हैं। दोस्तों पर बैटल 2 मिनट का होता है। इन 2 मिनट में आपको अपनी टीम को विन करना है, विन कर ले जाना है। ये डेथ मैच है, डेथ मैच में ज़्यादा किल क्रिएट करने वाली टीम विन होती है, जीतती है। 2 मिनट का टाइम बहुत ही कम होता है दोस्तों। इन 2 मिनट के टाइम में आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किल क्रिएट करने पड़ते हैं। और देखिए मैं कितना अच्छा खेलता हूँ, खेलता क्या हूँ मैं, अभी कुछ समय पहले ही मैंने इसको कुछ दिनों पहले ही इंस्टॉल किया। गेम काफ़ी अच्छा गेम है। और मुझे तकलीफ़ क्या हुई कि मैं ये वीडियो बनाया, मैं दोस्तों फेसबुक गेम की फेसबुक पेज ओपन किया था तो उस पेज पे देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो भी इस गेम का बेसिक एकदम नहीं जानते हैं और बस खेले आ रहे हैं। ये तो हुआ भाई उन लोगों को पागलपन, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ऐसा पागलपन करते हैं। भाई मैं बहुत गेम खेला ये, इसमें मुझे कुछ पागल ऐसे मिले जो जिनकी वजह से मैं गेम हार गया और मुझे बहुत गुस्सा आता। पर क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को तो भी इसकी बेसिक भी नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, आप ये बेसिक देख लीजिए। अब मैं थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ तेज़ी से, थोड़ा आगे आगे इसको बताऊँगा कि क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों मैं फिर से बैटल जीत गया हूँ। और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये स्वॉर्ड की आइकन किल को इंडिकेट करता है और हैंड का आइकन असिस्ट को इंडिकेट करता है और हेड स्कल आपके डेथ को इंडिकेट करता है। एवरी टाइम आप बैटल विन करते हैं तो आपको एक क्रेट मिलता है, या तो वो ऑकवर्ड क्रेट होगा या तो उससे बड़ी कोई क्रेट होगी जिसमें ज़्यादा कार्ड्स आते हैं और रेयर कार्ड, कॉमन कार्ड, इपिक कार्ड्स, ऐसे कार्ड्स आपको मिल सकते हैं। कार्ड को अपग्रेड करिए, कार्ड को कलेक्ट करने से आप अपने बेस को और अपने कैनन को अपग्रेड कर सकते हैं। हाई लेवल, हाई प्रायोरिटी उनको मिलेगी, हाई डैमेज क्रिएट कर सकेंगे, हाई हेल्थ, उनकी हेल्थ बढ़ जाएगी, प्लस अबिलिटीज़ लेवल पे जाते ही 4 लेवल के डाकते ही उनको अबिलिटीज आ जाता है। ये बैटल मैं फॉरवर्ड करूँगा दोस्तों, स्पीड बढ़ाऊँगा इसकी। इस बैटल के बाद आपको फिर से कुछ बताते हैं इस गेम की बेसिक्स। कुछ इस गेम की बेसिक्स रह गई हैं जो मैं आपको इस गेम की बात बताऊँगा। ये जो हो रहा है अभी फॉरवर्ड करता हूँ। तो अब चलिए, हाँ दोस्तों देख रहे हैं आप इसमें कि मुझे हेवी क्रेट मिला है,
ऑकवर्ड क्रेट से थोड़ा बड़ा क्रेट, और मेरा एक क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। टास्क क्वेस्ट में टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है। टास्क कंप्लीट करने पे मुझे क्वेस्ट पॉइंट मिले, और क्वेस्ट पॉइंट अगर मैं 80 कलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं एक हेवी क्रेट ओपन करूँगा। चलिए हेवी क्रेट को लगाते हैं। क्या अब अपग्रेड हो जाओ भाई, 8 आवर में अपग्रेड होता है हेवी क्रेट। 8 आवर लेता है टाइम अपग्रेड इसको ओपन होने में। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गेम में कितने लीग हैं, आप कितनी ट्रॉफी कलेक्ट करके कितने हाई लीग पर जाते हैं, और जितने ही आप हाई लीग पर जाएंगे उतने ही टफ अपोनेंट्स आपको मिलेंगे। ये पहला लीग है प्राइवेट, ये सेकेंड लीग है स्पेशलिस्ट 350 ट्रॉफी, ये कॉर्पोरल, ये सर्जेंट, ये लेफ्टिनेंट लीग 5, ये 1500 ट्रॉफी प्लस है, ये कैप्टन, ये मेजर, ये लेफ्टिनेंट कॉलोनल, ये कर्नल, ये ब्रिगेडियर जनरल, ये मेजर जनरल और ये लेफ्टिनेंट जनरल। लीग 12 45+ ट्रॉफीज आपको चाहिए। और इस गेम का ये जेम्स, जैसे COC में जेम्स है वैसे इस गेम का भी जेम्स है। इस जेम्स से आप अपने क्रेट को ओपन करने का टाइम डिक्रीज कर सकते हैं या तुरंत ओपन कर सकते हैं।